उसके साथ बात हो गया, वो तो बोलिया डॉक्टर की रिपोर्ट आओगी तो दाम अंदर कर सका, नियमित दर्ण कर नहीं सकते। ये बात हो गई। और पहले उठाए गए थे, किस दर उठाए गए? हाँ पहले हम उठाए थे भाई, हमने वहाँ लास्ट दर रखी थी वहाँ मेडिकल में, वहीं नजर से खटाखट में 8 आदमी इकट्ठे कर लिए थे। पेश करने से पहले कुछ एविडेंशियल कोई चीज़ चाहिए, अभी फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है, जिसके आधार पर मतलब हम भी सारा रिपोर्ट लेकर उसका रिजल्ट आने के बाद ही अरेस्ट कर पाएंगे। पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये जो लोग हैं सामाजिक है ये सामने आ गए, बात कह नहीं सकते सारी चीज़ें, लेकिन हम निडर होके हम आज का जो युवा है जागा हुआ, कोई सो नहीं रहा, ये प्रशासन से हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, क्या प्रशासन की बनती नहीं है भाई इनकी जो मुद्दा उसका निवारण हो? यहाँ पे गरीब आदमी अगर अपनी कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, पुलिस आप ये देख लो यहाँ कोई ऐसा आदमी दिख रहा है कोई मारने पीटने वाला कोई बंदा है, पुलिस प्रशासन ने देखो टीम कितनी तगड़ी बुला रखी है, ये बाजू जब कह रहे पर्चा 302 को हो गया तो 302 के पर्चे होने के बाद आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो? एक आजकल 751 का पर्चा दे तो सरपंच ना बुला ला गांव के, भाई गांव के सरपंच ना बुलाओ जब जा। क्या नाम है जी आपका? राम स्वरूप भाई। क्या नाम जी आपका? राम स्वरूप। आप लड़की के पिताजी? हाँ लड़की के पिता। तो अभी अंदर जा रहे थे, किसके साथ बातचीत और क्या कुछ बातचीत हुई? DSP साहब जी हो, उसके साथ बात हुई है, वो तो मैं बोलिया डॉक्टर की रिपोर्ट आओगी तो दाम अंदर कर सका, नियमित दर कर नहीं सकते। अच्छा। ये बात हुई। और पहले उठाए गए थे, किस दर उठाए गए? हाँ पहले हम उठाए थे भाई, हमने वहाँ लास्ट दर रखी थी वहाँ मेडिकल में, वहीं नजर से खटाखट में 8 आदमी इकट्ठे कर लिए थे, ये फिर मैं कल अपना छोड़ दिए ना, छोड़ दिए। लड़की का क्या नाम था जी, कितनी उम्र थी आपकी? कविता, लड़की नाम कविता है और उम्र 32 साल है। ब्याह ना का एक साल और थी? ब्याह ना हो गए होंगे 10-12 साल, 15 साल भी हो गए होंगे। दो बच्चे हैं 2007 में, 15 साल। बच्चे कितने बड़े? एक लड़का एक लड़की है। हाँ एक लड़का एक लड़की है। ठीक है जी। हाँ सरपंच साहब क्या नाम आपका? पाला राम नाम है। सरपंच साहब अंदर क्या कुछ बातचीत हुई इस मामले को लेकर? पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी थे, DSP साहब थे, SHO साहब भी शायद हो सकते हैं, मैं जानता तो नहीं, बाकी काफ़ी अधिकारी थे, उन लोगों से मेरे गांव के मौजूद आदमी भी थे, उनके साथ बात हुई। हमने एक सवाल उठाया कि भाई जब उन लोगों को अरेस्ट कर लिया था तो किस आधार पर छोड़ा गया? उन्होंने ये कहा कि भाई कोर्ट में फाइल पेश करने से पहले कुछ एविडेंशियल कोई चीज़ चाहिए, अभी फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है, जिसके आधार पर मतलब हम भी सारा रिपोर्ट लेकर उसका रिजल्ट आने के बाद ही अरेस्ट कर पाएंगे। तो किस तरह का जी व्यवहार था पुलिस का, एक दबाव की स्थिति बना रही है कि नॉर्मल स्वभाव से तो बातचीत हो रही थी? देखो इस टाइम तो जो आश्वासन दिलाया है वो पुलिस प्रशासन का पूरा दबाव है इसमें, और पूरा पुलिस प्रशासन इसमें इंक्लूड है, सारा SHO साहब से बात हुई थी पहले, इनके साथ साथ अब DSP साहब से बात हुई है, पूरे का पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये जो लोग हैं सामाजिक है ये सामने आ गए, बात कह नहीं सकते सारी चीज़ें, लेकिन हम निडर होके हम आज का जो युवा है जागा हुआ, कोई सो नहीं रहा, ये प्रशासन से हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, क्या प्रशासन की बनती नहीं है भाई इनकी जो मुद्दा उसका निवारण हो? यहाँ पे गरीब आदमी अगर अपनी कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, पुलिस आप ये देख लो यहाँ कोई ऐसा आदमी दिख रहा है कोई मारने पीटने वाला कोई बंदा है, पुलिस प्रशासन ने देखो टीम कितनी तगड़ी बुला रखी है, ऐसा हो रहा पता नहीं यहाँ कितने बड़े क्रिमिनल आए हुए हैं, यहाँ 1000 5% भी कह लो आप कुछ भी कह लो, प्रशासन ऊपर से लेकर बिका हुआ है। जबकि देखो लड़की का मर्डर हुआ जिस जगह पर मर्डर हुआ वहाँ पे एक छोटी सी खूंटी गाड़ रखी थी, लड़की क्या वेट 70-80 किलो की लड़की थी, एक हल्की सी इतनी सी खूंटी के ऊपर लड़की लटक जाएगी वो, और जबकि लड़की की हाइट थी 5.5 फुट से ऊपर, 4 फुट पे उसने गाड़ कर पीछे लटका दिया, तो ये इसको मतलब आप वो बता दोगे भाई ये तो फांसी लेगा मर गई? यहाँ प्रशासन का कहने का मतलब ये है भाई आप है ना, हम तो फैसला में उसको वो करवाएंगे, जब विसरा वगैरह आएगा तब जाके हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जबकि इन्होंने जब लड़की के यहाँ से हमारी लाश उठवाई लड़की की, तो इन्होंने बोला था भाई हम इनको अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट मौके भी किया भी, लेकिन फायदा क्या हुआ कि वो शाम को ही छोड़ दिए गए, दूसरी पार्टी का फायदा ये हो गया पैसे वाला मैटर कि भी पैसा खाओ और मुजरिम को जाने दो, ये कब तक चलेगा? लेकिन अगर हमें यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा,
हम एसपी साहब के जाएंगे, एसपी साहब नहीं जाएंगे, फिर हम अनिल विज के जाएंगे, अनिल विज नहीं करेगा, हम रोड जाम करेंगे, हम मुख्यमंत्री के रावत करेंगे। हमने लड़की का मतलब हमने जो लड़की के ऊपर जो ये इन्होंने किया है अत्याचार, दो बच्चे भी है छोटे छोटे, तो हाँ जी 8 साल की लड़की है, जो लड़की 8 साल की है वो बिल्कुल सामने थी, उस लड़की ने सारी चीज़ें बताई, भाई इतने बंदे थे, जिन बंदों के नाम लिए उन्हीं बंदों के हमने नाम बताए हैं, उस लड़की ने जो बताया उसके आधार पे ही हमने बात करी है। हर मौके पर हम पहुँचे थे वहाँ पे, हमने देखा। और एक चीज़ आप देख लो भाई साहब, कैसा मतलब अंधेरगर्दी चल रही है, कहने के बावजूद जब कह रहे पर्चा 302 को हो गया, तो 302 के पर्चे होने के बाद आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो? एक आजकल 751 का पर्चा देने दे तो सरपंच ना बुला ला गांव के, भाई गांव के सरपंच ना बुलाओ, जब जाकर हमें उसकी जिम्मेवारी पर छोड़ डांगे ना। 302 का पर्चा होने के बाद आज 4 दिन हो गए, बीते 4 दिन हो ले भाई साहब, 4 दिन में कोई लड़की का वो साइड से आज हम आए हैं बड़ी मुश्किल से, मतलब गांव राम सारा जुड़ के आया, भाई लड़की को न्याय मिलेगा ही नहीं कहीं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट पूरा बिका हुआ है बिल्कुल, ये अपने मतलब काम से पैसे के उसमें दबाव में हमारे ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। भाई हमारे को बता दिया गया भाई आपको टाइम देंगे, 15 दिन का टाइम दे दिया उन्होंने, 15 दिन, एक चीज़ बताओ, जब 302 का मुकदमा दर्ज हो गया तो क्यों नहीं अरेस्ट करें उनको? तो फिर कौन सा जगह बच गई भाई, कौन सा कानून ऐसा बच गया भाई उसके तहत इनको छोड़ दो? जब 751 के छोड़ सकते हैं तो आप इसमें भी, आप 302 में तो आदमी मार रखा है उसको, तो आप हम नहीं कह रहे भाई अरेस्ट करो, जेल भेज दो, जज जिद करेगा ना न्याय, तो जज कौन फांसी चढ़ा देगा अगर वो निर्दोष होगा तो? तो भाई हमारा तो बल्कि यही पूरे समाज से आपकी मीडिया के थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए समाज, भाई हमारे को न्याय मिलना चाहिए बेटी कविता को, बहन को, और भाई इसके लिए मतलब आप लोग भी पूरा सहयोग करें, धन्यवाद। आगे क्या कुछ प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग अभी यहाँ से सरपंच साहब भी क्या गया भाई, 15 दिन के उन्होंने बताया, लेकिन प्लानिंग तो ये रहेगी हम 15 दिन वेट नहीं कर सकते भाई, जिसके घर से बंदा जाओ वेट नहीं करेगा, मेरी बहन जा रही है मैं वेट करूँगा क्या? मेरी बहन है वो, हम इनके वेट करेंगे भाई साहब? मेरे घर से गया बंदा तो मैं वेट थोड़ी करूंगा भाई, एक तो इनिशियली मौत होती है, चलो भाई भाई हो गया, अरे ये तो मार रखी लड़की सरिया मार रखी है, तो इसके लिए भाई हमने तो हर मुमकिन प्रयास करेंगे, हर जगह जाएंगे जहाँ से हमें न्याय मिलेगा पूरी कोशिश करेंगे वहाँ तक। हाँ जी, प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं भाई लड़की के साथ न्याय हो, न्याय की अपील करते हैं हम, बिल्कुल प्रशासन को दोषी करार अब दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव बना जा रहा है भाई, 15 दिन का टाइम हमारे को दे रहे हैं, लेकिन 15 दिन का टाइम हम वेट नहीं करेंगे, अब हो सका तो आज हम SP के जाएंगे, नहीं तो हम कल अपनी पूरी बातचीत करके गाँव में हम फिर SP के पेश होंगे, SP साहब से पूछेंगे फिर वो क्या राय देते हैं, लेकिन वहाँ से भी नहीं बनेगा अनिल विज के जाएंगे, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री तो भाई लास्ट हमारा करनाल में बैठता है, हम बारी गाँव से असंध है करनाल डिस्ट्रिक्ट का हमारा। बाथरूम के अंदर जब एक कुट्टी काट रही इतनी सी लड़की की हाइट है 5.5 फुट, 4 फुट पे आप उसको लटका दोगे, मुंडी बताला नीचे पड़ी है, 4 फुट पे आदमी फांसी ले लेगा, तो भाई साहब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है उसमें ये मर्डर है। 17 किलो वजन में तो वो कुंटी अपने आप नीचे।